वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 16 सितंबर 2018 और 16 सितंबर 2018 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी। और मैं अनअकैडमी पर भी पढ़ाता हूं, तो आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके उस पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ अनअकैडमी पर जुड़ सकते हैं। वैसे मैंने अपने अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके भी मेरे साथ अनअकैडमी पर जुड़ सकते हैं। और जो भी वीडियो मैंने वहां पर अपलोड किए हैं उन्हें आप बिल्कुल फ्री देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अभियंता दिवस यानी कि इंजीनियर्स डे कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में 15 सितंबर को मनाया गया है अभियंता दिवस, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब मैं आपको अभियंता दिवस यानी कि इंजीनियर्स डे के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। पहले आप इमेज में देखिए, ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं ये है मोच गुंडम विश्वेश्वरैया। ये एक सिविल इंजीनियर थे और इन्होंने इरिगेशन डिजाइन के क्षेत्र में बहुत ज्यादा काम किया था। तो इन्हीं के जन्मदिन को मनाया जाता है अभियंता दिवस के रूप में। इनका एक बहुत फेमस प्रोजेक्ट था कृष्णा सागर झील पर, और उस प्रोजेक्ट की वजह से ये बहुत ज्यादा फेमस हुए थे। और इनका नाम आप याद रखिए, इनका नाम है मोच्चा गुंडम विश्वेश्वरैया और इन्हीं के जन्मदिन को मनाया जाता है इंजीनियर्स डे के रूप में। कल के वीडियो का हमने टारगेट रखा था 39,000 लाइक का, आपने वो टारगेट पूरा किया लेकिन टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगा। तो आज की इस वीडियो का हम फिर से टारगेट रखते हैं 39,000 लाइक का। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक जरूर किया करो, और लाइक करने के बाद आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप है उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। और मैं आपसे भी बोलता हूं, हर दिन मॉर्निंग में उठकर अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो लेकिन हर दिन अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तब आप इसे लाइक और शेयर जरूर किया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शिल्प गुरु और राष्ट्रीय पुरस्कार किसने प्रदान किया है? तो ये प्रदान किया है स्मृति ईरानी ने। अभी हमारी प्रेजेंट टाइम पे कपड़ा मंत्री हैं स्मृति ईरानी, और इन्होंने ही शिल्प गुरु और राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रही है यही है स्मृति जुबीन ईरानी, और ये प्रेजेंट टाइम पे हमारे कपड़ा मंत्री हैं, और इन्होंने ही शिल्प गुरु और राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत का विदेश व्यापार जारी किया है? तो अभी हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भारत का विदेश व्यापार जारी किया है। अब ये सुन के थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा होगा कि विदेश व्यापार जारी करने का क्या मतलब है। तो इंडिया कितना इंपोर्ट करता है, कितना एक्सपोर्ट करता है, ये पूरा डाटा जारी किया है आरबीआई ने, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये आरबीआई ने जारी किया है, तो आरबीआई के बारे में मैंने आपको कई बार बताया है, आई होप आपको याद भी हो गया होगा। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1935 में। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई में। आरबीआई के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? उर्जित आर पटेल। और एक और क्वेश्चन बनता है आरबीआई से कि उर्जित आर पटेल आरबीआई के कौन से नंबर के गवर्नर है? तो आप याद रखिए, उर्जित आर पटेल आरबीआई के 24वें नंबर के गवर्नर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया गया है? ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया गया है 15 सितंबर को। तो आपको दो डे याद रखने हैं, 15 सितंबर को भी होता है इंजीनियर्स डे और 15 सितंबर को भी होता है डेमोक्रेसी डे, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब माइंड में क्वेश्चन ये आ जाता है कि आखिर ये अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया ही क्यों जाता है? तो लोकतंत्र के बारे में क्या स्थिति है इसकी समीक्षा करने के लिए, यानी कि इसको एनालाइज करने के लिए ये हर साल 15 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है। अच्छा, इसे मनाता कौन है? तो इसे मनाता है यूनाइटेड नेशन। अब यूनाइटेड नेशन का नाम है तो यूनाइटेड नेशन के बारे में भी मैंने आपको कई बार बताया है। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यूयॉर्क में। यूनाइटेड नेशन के प्रेजेंट टाइम पे सेक्रेटरी जनरल का नाम आप याद रखिए, प्रेजेंट टाइम पे यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल कौन है? एंटोनियो गुटेरस। और एक और क्वेश्चन बन जाता है कि यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी यूनाइटेड नेशन की स्थापना। और यहीं से क्वेश्चन बन जाता है कि यूनाइटेड नेशन डे कब मनाया जाता है? तो आप याद रखिए, हर साल 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अगस्त महीने में थोक मुद्रास्फीति कितने प्रतिशत रही है? तो अभी हाल ही में अगस्त के महीने में थोक मुद्रास्फीति रही है 4.53%, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ वनस्पति संरक्षण पर समझौता किया है?
तो अभी हाल ही में भारत ने सर्बिया के साथ वनस्पति संरक्षण पर समझौता किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। मैंने आपको कल ही बताया था कि हमारे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू अभी तीन देशों के दौरे पर गए हैं और उन तीन देशों के नाम मैंने यहां पे लिख दिए हैं। तीन देश कौन कौन से हैं? सर्बिया, माल्टा और रोमानिया। इन तीन देशों के अभी दौरे पर हैं हमारे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू। तो पहले उपराष्ट्रपति गए हैं सर्बिया और सर्बिया में उन्होंने वनस्पति संरक्षण पर एक समझौता किया है। अब सर्बिया गए हैं तो आप मैप में देख लीजिए, ये है सर्बिया। सर्बिया की कैपिटल क्या है? सर्बिया की कैपिटल है बेलग्रेड। और सर्बिया की करेंसी क्या है? सर्बिया की करेंसी है सर्बियन दिनार। और सर्बिया के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? अना ब्रानबेक। अब आप इमेज में देखिए, ये जो आपको इमेज में एम वेंकैया नायडू के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं, ये हैं सर्बिया के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट। और इनका नाम क्या है? इनका नाम है अलेक्जेंडर ब्रिसिक। तो इनका नाम भी आप याद रखिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे मीरा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में सवाई सिंह शेखावत को मीरा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा ये मीरा पुरस्कार प्रदान किया गया है सवाई सिंह शेखावत को। और ये जो मीरा पुरस्कार है ये राजस्थान साहित्य अकादमी का सर्वोच्च पुरस्कार है, तो ये भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ISSF विश्व चैंपियनशिप में गुरप्रीत सिंह ने कौन सा पदक जीता है? तो अभी हाल ही में ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप में गुरप्रीत सिंह ने जीता है रजत पदक, यानी कि सिल्वर मेडल। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही है गुरप्रीत सिंह, और इन्होंने अभी हाल ही में ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता है। अब ISSF के बारे में आपको कई बार बता चुका हूं और आई होप डेफिनेटली आपको याद हो गया होगा। ISSF की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। और ये ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप कहां हो रही है? तो ये साउथ कोरिया में हो रही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्वयं सिद्ध योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? तो अभी हाल ही में स्वयं सिद्ध योजना की शुरुआत की है पश्चिम बंगाल ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब मैंने इस क्वेश्चन में स्वयं सिद्ध योजना को हाईलाइट किया हुआ है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि यह स्वयं सिद्ध योजना है क्या। तो ये मानव तस्करी को रोकने के लिए एक योजना शुरू की है पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट ने और इसका नाम है स्वयं सिद्ध योजना। अब ये पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट ने शुरू की है तो आप मैप में देखिए, ये है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की कैपिटल क्या है? कोलकाता। और कोलकाता का नाम आया है तो आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए, कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है तो आप याद रखिए, कोलकाता है हुगली नदी के किनारे स्थित। पश्चिम बंगाल की प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? पश्चिम बंगाल के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर है केसरीनाथ त्रिपाठी। अच्छा, एक क्वेश्चन और बनता है पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल ने अभी कुछ टाइम पहले अपना ऑफिशियल लोगो लॉन्च किया था। अब इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, मैं जब भी बेंगलोर का नाम आता है तब बताता हूं और जब भी पश्चिम बंगाल का नाम आता है तब बताता हूं। तो आप याद रखिए, बेंगलोर इंडिया का पहला सिटी बना था, सिटी, और पश्चिम बंगाल क्या है? ये स्टेट है। तो अगर आपसे पूछा जाए किस स्टेट ने अभी हाल ही में अपना ऑफिशियल लोगो लॉन्च किया, तब आप बताएंगे पश्चिम बंगाल। और अगर आपसे पूछा जाए किस सिटी ने अभी हाल ही में अपना ऑफिशियल लोगो लॉन्च किया, तब आप बताएंगे बेंगलोर। तो पश्चिम बंगाल ने भी अपना ऑफिशियल लोगो लॉन्च किया था और उसकी थीम आपको याद रखनी है। जो पश्चिम बंगाल ने अपना ऑफिशियल लोगो लॉन्च किया था उसकी थीम है बिस्वा बांग्ला। तो इसे आप नोट कर लीजिए, क्या है? बिस्वा बांग्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्वच्छ धारा कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? तो अभी हाल ही में स्वच्छ धारा कार्यक्रम की शुरुआत की है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये स्वच्छ धारा कार्यक्रम क्या है? तो ये स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए एक कार्यक्रम है और इसका नाम रखा गया है स्वच्छ धारा कार्यक्रम। अब इसकी शुरुआत आंध्र प्रदेश ने की है, तो आप मैप में देखिए, ये है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है हैदराबाद और प्रस्तावित कैपिटल क्या है? अमरावती। आंध्र प्रदेश के प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर कौन है? चंद्रबाबू नायडू। और आंध्र प्रदेश के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? ESL नरसिम्हा। और जब भी आंध्र प्रदेश का नाम आता है मैं आपको बताता हूं भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा था मुझसे एक स्टूडेंट ने कि सर भाषा के आधार पर गठित होने का क्या मतलब है? तो वहां के लोगों की लैंग्वेज थी अलग और उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग उन्होंने अलग राज्य की मांग की थी। तो इस तरह से ये भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है आंध्र प्रदेश, तो ये भी आप याद रखिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस ऑनलाइन गेम को लेकर सुरक्षा परामर्श जारी किया है?
तो अभी हाल ही में मोमो चैलेंज गेम के लिए केंद्र सरकार ने सुरक्षा परामर्श जारी किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। इस गेम का नाम अभी आपने रिसेंटली सुना होगा क्योंकि ये अभी बहुत ज्यादा चर्चा में है, तो इसके लिए अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने सुरक्षा परामर्श जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रूस, चीन और मंगोलिया के सैनिकों ने साथ मिलकर किस नाम से विश्व का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास शुरू किया है? तो अभी हाल ही में रसिया, चाइना और मंगोलिया ने साथ मिलकर विश्व का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास शुरू किया है और इसका नाम है वोस्तोक, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब मैं आपको रसिया के बारे में कई बार बता चुका हूं, चाइना के बारे में कई बार बता चुका हूं, मंगोलिया के बारे में बता देता हूं। तो आप मैप में देखिए, ये है मंगोलिया, मंगोलिया की कैपिटल है उलानबातर और मंगोलिया की करेंसी क्या है? मंगोलिया की करेंसी है टोग्रोग और मंगोलिया के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट है के बटुलगा। तो इतना आप मंगोलिया के बारे में याद रखिए। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में स्वच्छता ही सेवा मूवमेंट की शुरुआत की घोषणा किसने की? तो इसकी घोषणा की हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया है। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, हाल ही में हिंदी दिवस कब मनाया गया है? ध्यान रखना, मैं आपसे पूछ रहा हूं हाल ही में हिंदी दिवस कब मनाया गया है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी, INDRESHRC, इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। आज की वीडियो का टारगेट आप याद रखना, आज की वीडियो का टारगेट है 39,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तब आप इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।